Now next one, we are discussing one by one all rules related to creating any user defined functions. In that case, what is the rule? Function declaration should be provided before using any functions. Means agar aap kisi bhi functions ko call kar rahe, function ko call karne se just pehle function ka declaration provide karna compulsory hai. But suppose that agar function ka definition calling function se already pehle provide kar chuke, then is case mein declaration ke sath declaration is optional. We must provide function declarations before calling any functions if definition is not available before calling functions. जिस functions के अंदर आप call कर function से पहले का declaration definition available नहीं, then declaration provide करना compulsory. What is mean by this point? We are seeing one by one all approaches. First one, function m1. Function m1 के case में simply display कराया गया 1. M2 functions, first case की बात करें, it is valid case, there is no errors. Remaining cases में describe करें, means it is simple case. इस case में M1 को call करें inside M2. M2 को consider किया जाएगा as a calling function here. M2 is a calling function and M1 is a called function. Rule क्या था? किसी भी function calling statement से पहले function का अगर declaration और definition available नहीं, then means definition available नहीं है, before calling function, calling कौन है? M2 से पहले definition already found हो रहा है, declaration कैसा है? Optional. Therefore it is valid statement. Same as M3 इस case में क्या? Calling function. इस calling function के पहले M2 का definition already appear हो चुका है, इसलिए case कैसा? Again valid. Means separately declaration provide करने की need नहीं है. Same as main function. Main के case में call क्या हो रहा है? M3. मेन के अंदर M3 को कॉल करने से पहले फर्स्ट वन M3 के रिस्पेक्ट टू मेन क्या, मेन इज अ कॉलिंग फंक्शंस. अगेन चेक इट, कॉलिंग फंक्शन से पहले M3 का डेफिनेशन ऑलरेडी फाउंड हो, इसलिए डिक्लेरेशन सेपरेटली प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, मींस ऑप्शनल. इस केस में अगर आउटपुट की बात करें तो सबसे पहले कॉल क्या हो रहा है? M3. तो M3 के अकॉर्डिंग कंट्रोल कहां सेंड हुआ? इनसाइड बॉडी ऑफ M3. देन M3 के अंदर कॉल क्या हो रहा है? M2. कंट्रोल सेंड हुआ इनसाइड बॉडी ऑफ M2. M2 के अंदर कॉल क्या हो रहा है? M1. कंट्रोल कहां सेंड हुआ? इनसाइड बॉडी ऑफ M1. M1 के अकॉर्डिंग आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा जब मैसेज एज 1. दिस इज द आउटपुट मैसेज. अगेन M1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के जस्ट बाद कंट्रोल सेंड हुआ इट्स कॉलिंग प्लेस. M1 फंक्शन कॉल कहां हुआ था? इनसाइड बॉडी ऑफ M2, इसलिए कंट्रोल भी कहां सेंड हुआ? रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस. सेम एज M2 दिस प्लेस पर कॉल हुआ इनसाइड बॉडी ऑफ M3, इसलिए कंट्रोल कहां सेंड हुआ? इनसाइड M3. सेम M3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल सेंड हुआ अगेन इट्स कॉलिंग प्लेस इनसाइड बॉडी ऑफ मैन. दिस द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन. इस टाइप से सारे फंक्शन प्रोसेस होंगे. अगर स्टैक के डेप्थ की और हाइट की बात करें, स्टैक के केस में सबसे पहले कॉल क्या हो रहा है? मैन फंक्शन. इसलिए स्टैक के अंदर सबसे पहले लोडिंग किसके लिए हो रहा है? मैन फंक्शन. मैन इटसेल्फ कॉल किसको कर रहा है? M3 को. नेक्स्ट लेवल पर स्टैक के अंदर लोड कौन होगा? M3 फंक्शन, लोडिंग फॉर M3. M3 इटसेल्फ कॉल किसको कर रहा है? अगेन M2. कंट्रोल का सेंटर इनसाइड M2, इसलिए स्टैक में लोडिंग किसके लिए हो रहा है? M2 के लिए. सेम एज M2 फंक्शन इटसेल्फ M1 को कॉल कर रहा है, इसलिए स्टैक के अंदर टॉप लेवल पर अगेन एंट्री किसके लिए होगा? M1 फंक्शंस के लिए. इस टाइप से फंक्शंस प्रोसेस होना स्टार्ट होंगे. M3, देन M2, देन M1. देन सबसे पहले एग्जीक्यूशन किसका फिनिश हो रहा है? M1 का. M1 का एग्जीक्यूशन फिनिश होने के बाद कंट्रोल सेंड को रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस. प्लस डीएलोकेशन किसके लिए हो चुका है? M1 के लिए. अब स्टैक के अंदर ओनली कितने फंक्शंस? ओनली 3 फंक्शंस. M2 के बाद कंट्रोल कहां सेंड हुआ? कॉलिंग प्लेस. देन M2 भी डीएलोकेट हो चुका है. स्टैक के टॉप में ओनली कितने फंक्शंस फाउंड हो रहा है? 2, मैन एज वेल एज M3. देन कंट्रोल सेंड हुआ इनसाइड कॉलिंग प्लेस मींस मैन. डीएलोकेशन किसके लिए हुआ? M3 के लिए. सेम एज डीएलोकेशन किसके लिए हुआ? मैन के लिए. कंट्रोल सेंड हुआ रिटर्न बैक टू ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट वन केस 2. केस 2 के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इन दैट केस? इस केस में अगर प्रोग्राम के बिहेवियर की बात करें, इससे गिवन पॉइंट केस 2 में आपको एग्जैक्टली देखना पॉसिबल आपके लिए. फर्स्ट वन, M1 के केसेस में कॉल क्या हुआ है? M3. तो M3 के रिस्पेक्ट में M3 क्या है? फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट. M3 क्या है? कॉल्ड फंक्शन. और M1 क्या है? कॉलिंग फंक्शन. यार कॉलिंग फंक्शन कौन है? हेयर M1 इज अ कॉलिंग फंक्शंस. कॉलिंग फंक्शंस के अंदर M3 कॉल करने से पहले, कॉलिंग फंक्शन से पहले कहीं भी M3 का डेफिनेशन अपीयर हुआ क्या? नहीं. देन इस केस में M3 से जस्ट पहले डिक्लेरेशन अवे, एटलीस्ट डिक्लेरेशन होना कंपलसरी. अगर डेफिनेशन प्रोवाइड किया देन नो प्रॉब्लम. फिर भी अगर डेफिनेशन नहीं, देन एटलीस्ट आपके पास अवेलेबल क्या होना चाहिए? डिक्लेरेशन ऑफ M3 बिफोर कॉलिंग M1. अकॉर्डिंग टू रूल, फंक्शन डिक्लेरेशन शुड बी प्रोवाइड
बिफोर यूजिंग एनी फंक्शंस, किसी फंक्शन को यूज करने से पहले डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी है, बट इफ डेफिनेशन इज नॉट अवेलेबल बिफोर कॉलिंग फंक्शन, अगर कॉलिंग फंक्शन से पहले अगर डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं किया देन डिक्लेरेशन कंपलसरी है। फाइनली एमसी का डिक्लेरेशन पार्ट नहीं है इसलिए स्टेटमेंट कैसा है, इनवैलिड। कंपाइल टाइम एरर, दिस कोड विल कंटेंस कंपाइल टाइम एरर, सेम एज एम टू। एम टू के केस में एम थ्री अगेन एम टू के अंदर कॉल हो रहा, तो एम थ्री के केस में नेक्स्ट टाइम एम थ्री के लिए एम टू क्या है, कॉलिंग फंक्शन। अगेन चेक करो एम टू से पहले एम थ्री का डेफिनेशन कहीं प्रोवाइड हुआ क्या, नहीं। अगेन दिस इज ऑल्सो इनवैलिड स्टेटमेंट कंपाइल टाइम एरर्स, इस कोड के कंपाइल होने के चांसेस ही नहीं है। देन इस प्रॉब्लम के टोटल टू सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, टू सॉल्यूशंस क्या है इस केस में, फर्स्ट वन किसी भी फंक्शंस के डिक्लेरेशन टू प्लेसेस पर प्रोवाइड करना पॉसिबल, आइदर लोकल डिक्लेरेशन और ग्लोबल डिक्लेरेशंस, लोकल और ग्लोबल। लोकल डिक्लेरेशंस केवल उसी फंक्शंस के लिए विजुअल होंगे जिस फंक्शन बॉडी में आपने प्रोवाइड किया, लेकिन ग्लोबल डिक्लेरेशंस सभी फंक्शंस के लिए विजुअल होंगे फॉर ऑल फंक्शंस। इन दैट केस अगेन सेम एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल थ्री, एग्जाम्पल टू कैसा है, इनवैलिड मीन्स कंपाइल टाइम एरर, देयर इज नो आउटपुट। एम वन के केस में अगेन कॉल क्या किया है, एम थ्री, तो एम थ्री के लिए एम वन फंक्शन क्या है, कॉलिंग फंक्शन। अगर एम वन कॉलिंग है तो कॉलिंग से पहले कहीं भी एम थ्री का डेफिनेशन फाउंड हुआ क्या, नहीं। बट इस केस में प्रोवाइड क्या किया, डिक्लेरेशन ऑफ एम थ्री, अगर एम थ्री का डिक्लेरेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं देन डेफिनेशन कैसा है, ऑप्शनल। एक बार आपने फंक्शन का डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर दिया देन डेफिनेशन किसी भी प्लेस पर प्रोवाइड करना पॉसिबल, मीन्स नाउ दिस इज फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट इज अ वैलिड स्टेटमेंट। और याद रखना एग्जीक्यूशन किसका हुआ, ओनली फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट्स का, न कि डिक्लेरेशन का। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन डिक्लेरेशन को ऑलवेज इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट वन, सिमिलरली एम टू फंक्शन में भी अगेन क्या कॉल हो रहा है, एम थ्री, तो एम थ्री केस में इन दैट केस एम टू बिकम्स कॉलिंग फंक्शंस। एम टू अगर कॉलिंग है तो अगेन एम टू से पहले एम थ्री का कहीं भी कोई डेफिनेशन फाउंड नहीं हो रहा है, ठीक है। डिक्लेरेशन फाउंड हुआ था, डिक्लेरेशन कैसा, लोकल, लोकल डिक्लेरेशन ओनली एम वन के लिए विजिबल था नॉट फॉर एम टू, इसलिए लोकल डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर देन अगेन सेपरेटली फिर से डिक्लेरेशन किसके अंदर प्रोवाइड करें, इन साइड एम टू, इसलिए प्रोवाइड किया गया डिक्लेरेशन, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो वैलिड। देन मीन्स इस केस में अगर लोकल स्कोप में डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर दें, डिक्लेरेशन जितने भी फंक्शंस के अंदर एम थ्री को कॉल करेंगे उन सभी फंक्शंस के अंदर डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी हुआ अगर आपने डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं किया है। देन इस केस में सेम डिक्लेरेशन रिपीट कितनी बार हो रहा है, टू टाइम्स, देन एम थ्री, देन मैन। मैन के केस में जब एम वन कॉल होगा, एम वन कॉल होने से पहले इसका डेफिनेशन ऑलरेडी अवेलेबल है वैलिड, एम टू कॉल होने से पहले एम टू का डेफिनेशन ऑलरेडी अवेलेबल है वैलिड, M3 थ्री कॉल होने से पहले M3 का डेफिनेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो वैलिड। आउटपुट क्या है, फर्स्ट वन, M1 कॉल हुआ तो M1 की कॉलिंग के अकॉर्डिंग कंट्रोल कंसेंट हुआ इन साइड बॉडी ऑफ M1, और M1 के अंदर डायरेक्टली एग्जीक्यूशन किसका होगा, M3, थ्री, जब एम थ्री कॉल हुआ तो M3 से क्या प्रिंट हो जाएगा, वन। नेक्स्ट टाइम अगर M2 कॉल हो रहा तो कंट्रोल कंसेंट हुआ इन साइड बॉडी ऑफ M2, दिस इज द डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, डायरेक्टली चांस किसको दोगे, कॉलिंग M3, M3 कॉल हुआ तो अगेन कंट्रोल का सेंड हुआ इन साइड बॉडी ऑफ M3, अगेन क्या डिस्प्ले हुआ, वन। नेक्स्ट टाइम कॉल क्या रहा, M3, कंट्रोल सेंड करें डायरेक्टली इन साइड बॉडी ऑफ M3, डायरेक्टली क्या प्रिंट हुआ, अगेन वन, थ्री टाइम्स वन, इट्स वैलिड। खाली लोकल डिक्लेरेशन सभी फंक्शंस के अंदर, ऑल यूज्ड फंक्शंस के अंदर प्रोवाइड करना कंपलसरी। इस केस में केस फोर, केस फोर के केस में M3 सेम केस है, एग्जैक्टली सेम एज केस थ्री, ओनली डिफरेंस क्या है, इस केस में M3 का लोकल डिक्लेरेशन प्रोवाइड न करके प्रोवाइड किया गया ग्लोबल डिक्लेरेशन, अगर ऑलरेडी ग्लोबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर चुके हैं देन M3 का डिक्लेरेशन सभी फंक्शंस के अंदर सेपरेटली प्रोवाइड करने की नीड नहीं, ऑप्शनल। मीन्स ना ही M1 में डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया ना ही M2, ऑलरेडी M3 का डिक्लेरेशन कैसा है, ग्लोबल। मीन्स दिस इज द, दिस डिक्लेरेशन इज विजिबल फॉर ऑल कमिंग फंक्शंस। नेक्स्ट वन, मेन फंक्शंस के रिस्पेक्ट में एक और एक्स्ट्रा फंक्शन कॉल किया जाए M4, अगेन चेक इट, M4 के रिस्पेक्ट में मैन के नाउ मैन फंक्शन बिकम्स कॉलिंग फंक्शंस फॉर M4, M4 के कॉल होने से जस्ट पहले M4 का कहीं भी डेफिनेशन फाउंड नहीं हो रहा, इसलिए क्योंकि डेफिनेशन कहाँ प्रोवाइड किया है, आफ्टर बॉडी ऑफ कॉलिंग फंक्शंस। देन इस केस में अगेन मैन फंक्शन के अंदर M4 फंक्शन कॉल होने से पहले M4 का डेफिनेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी है, अगर M4 के रिस्पेक्ट में टू टाइप्स के डेफिनेशंस पॉसिबल हैं, ग्लोबल और लोकल। इस केस में M4 के लिए मैं प्रोवाइड क्या कर रहा हूँ, लोकल डिक्लेरेशंस, लोकल डिक्लेरेशंस फंक्शन M4, अगेन दिस इज वैलिड स्टेटमेंट।